हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। तो सबसे पहले डियर हम लोग देखेंगे जो जो पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पहला हेडिंग हमारा होगा अवतल दर्पण के उपयोग, फिर दूसरा जो है हमारा उसका नाम है उत्तल दर्पण के उपयोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे डियर जिसका नाम है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। तो देखेंगे डियर जो पहला परिभाषा हमारा होगा उसका नाम है दर्पण का ध्रुव, दूसरा जो हमारा हेडिंग है डियर उसका नाम है वक्रता केंद्र, तीसरा जो होगा उसका नाम है वक्रता त्रिज्या, चौथा जो डियर होगा उसका नाम है मुख्य अक्ष, पांचवा जो पॉइंट जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है अभिलंब, छठवां जो होगा डियर उसका नाम है द्वारक, सातवां जो होगा डियर उसका नाम है मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस, आठवां जो होगा डियर उसका नाम है फोकस दूरी, और नौवां नंबर जो पॉइंट है डियर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये सब डियर हम लोग पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। पहला जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। दूसरा जो पॉइंट है डियर उसका नाम है डॉक्टर, प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में डालते हैं, इससे ये अंग भली भांति क्या होते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं डियर, इसी का जो तीसरा नंबर जो है उसका अवतल दर्पण का उपयोग उसका नाम है वो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों की शेडो में किया जाता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर अभिसारी हो जाता है और क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाता है। चौथा जो उपयोग होता है डियर अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेल इंजनों तथा सर्च लाइटों में लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये हमारा हो गया डियर आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग देखने वाले हैं डियर जिसका नाम है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होती है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। दूसरा जो उपयोग होता है अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा रहता है, जिससे ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों व गाड़ियों को के प्रतिबिंब देख सकता है। ये उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे दिखते हैं। तो ये आपका हो गया दो उपयोग उत्तल दर्पण के। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला जो परिभाषा है उसका नाम है दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को पी से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो है डियर उसका नाम है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले भाग का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो हमारा डियर उसका नाम वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस खोखले भाग का गोले का कटा भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पाँचवा है जो डियर उसका नाम है अभिलंब। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण का पर अभिलंब कहलाता है। छठवां जो हेडिंग हमारा डियर उसका नाम है द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सातवां जो है डियर उसका नाम है फोकस तथा मुख्य फोकस। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। आठवां नंबर पॉइंट देखते हैं डियर जो दिया है आपका फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला दिया हमारा डियर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो फोकस दूरी जो होती है हमारी डियर वो क्या होती है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होती है। तो उम्मीद करता हूँ डियर आज के जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए ये सारे आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए,
तथा हमारे तथा बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।